गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी हमारे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कभी कुछ खाना है तो बहुत ज़्यादा खाना है, मीठे की क्रेविंग, लंच का टाइम कुछ ऐसा आ जाता है कि कुछ ठंडा सा मिल जाए बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल्कुल भी खाने का कुछ फील नहीं है, मन नहीं है, मूड नहीं है। और सेकेंड बात, साथ साथ वैलेंटाइंस डे आ रहा है और उस दिन अगर हमें चीट करना है, बट उससे पहले हमें अपनी बॉडी को रेडी करना है ताकि हम अपने शेप में आ सकें, अपने कर्व्स में आ सकें एंड हम बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकें बिना किसी गिल्ट के। बट मेक श्योर जो जो लोग वैलेंटाइंस चीट का प्लान कर रहे हैं, आप हेल्दी चीट ऑप्शन ही ऑप्ट करेंगे रेदर देन कि आप जंक में जाओ। बहुत ज़्यादा जंक खाना वो नहीं करेंगे, अल्कोहल का कंजम्पशन ना मात्र जितना, एंड जितना भी हो सके हम हेल्दी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। बट आप बहुत अच्छे दिखोगे, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपके बाल अच्छे हेल्दी होने चाहिए एंड आप बहुत खूबसूरत दिखने चाहिए अंदर से बाहर से। जब आपका माइंड हेल्दी है, आपका मेंटल हेल्थ हेल्दी है, आपकी सोल हेल्दी है, आप फील कर रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल गुड हूँ, बिल्कुल सब चीज़ें परफेक्ट है, बढ़िया है, तभी जाके आपका जो नेचुरल ब्लश है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है और आप हैप्पी दिखते हो, फिट दिखते हो मेंटली फिजिकली हर तरीके से। बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 7 वेट लॉस की स्मूदीज की रेसिपीज, जो कि देगा आपको फ्लैट बेली, ए पार्ट बी पार्ट आपका वेट लॉस देगा। अगर आप ये 7 रेसिपीज हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ऑप्ट करते हो अपनी डाइट के अंदर, लंच की रेसिपीज हैं ये, ट्रस्ट मी आपका बहुत इजीली वेट शेड होगा 1 से 1.5 से 2 किलो तक। एंड दूसरी चीज़ है, अगर आपका बेली का प्रॉब्लम है, आपका स्टमक जो है ब्लोट कर जाता है, बहुत ज़्यादा फूला रहता है एंड यू फील लाइक यार ये शाम तक इतना मोटा क्यों हो रहा है, मैं कब तक दालें खाऊंगी, पनीर खाऊंगी, आई नीड लिटिल चेंजेस, सो वहाँ पे हम ये स्मूदीज को ऐड करेंगे लंच में। एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बेली पे फ़र्क पड़ेगा, आपके लव एंगल्स पे, आपकी स्वेलिंग, आपकी ब्लोटिंग, आपका स्टमक में सूजना, आपको ऐसे फील होना कि यार बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, या फिर शाम तक आपको बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह अपना पेट फील आता है। मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो ये कंप्लेन करते हैं एंड बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके साथ एक्चुअली मैं पूरी बॉडी लीन है, बस स्टमक जो है वो बिल्कुल बाहर है। मैं अपकमिंग ट्रांसफॉर्मेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करूंगी, जिनका वेट शेड नहीं हुआ है, जिनका सिर्फ बेली गया है, वेट शेड हुआ है 3-4-5 किलो, बट उनका जो बलून की तरह बेली था, एक स्पेसिफिक एरिया में जो फैट था विच इज़ लाइक बलून की तरह बेली, वो बिल्कुल टमी जिसको हम बोलते हैं वो बिल्कुल अंदर गया है एंड इंच लॉस अमेजिंग है। ये स्मूदीज भी वहाँ पे हेल्प की है, ये स्मूदीज आपको भी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। सो ये स्मूदीज बनाने कैसे हैं, चलते हैं किचन में। तो फर्स्ट स्मूदी हमारी है पाइनएप्पल कोकोनट एंड ओट्स की स्मूदी। ये रहे मेरे पास पाइनएप्पल के स्लाइसेस, 3 पाइनएप्पल के स्लाइसेस मैंने यहाँ पे डाले हैं, मुट्ठी भर जितना मेरे पास कोकोनट है मैंने वो डाल दिया इसमें। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है ओट्स, 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें ओट्स डाले हैं, आधा गिलास जितना पानी। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्मूदी हमारी रेडी है, यम्मी। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं चीकू शेक। चीकू शेक के लिए यहाँ पे मेरे पास है एक चीकू, नेक्स्ट 2 स्पून ऑफ ओट्स, 1 स्पून, 2 स्पून, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 ग्लास जितना वाटर और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ओके, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे 2 स्पून जितना सोक्ड बेसिल सीड्स, मैंने 1/2 कप पानी में सोक करके रखा था। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा चीकू एंड ओट्स का शेक, एंड इट्स रेडी। ओके, नेक्स्ट स्मूदी हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, 2 से 3 इंग्रेडिएंट एंड इट्स लाइक रेडी। सबसे पहले मैंने डाली है मेरे 1 मुट्ठी जितना कोकोनट, डल गया। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे डेट्स, 2 से 4 डेट्स हम डाल देंगे इसमें। ओके, 2 इनफ है आई गेस। नेक्स्ट 2 स्पून ऑफ ओट्स, नेक्स्ट 1/2 कप नॉर्मल वाटर, 1/2 कप ही डाला है मैंने इसमें, इसको अब हम ब्लेंड करेंगे।
ओके नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है सोक किए हुए मेरे चिया सीड्स एंड इसको हम डालेंगे इसमें हाफ कप. ओके नेक्स्ट जो मेरी स्मूदी है ये बहुत फिलिंग है एंड बहुत बहुत ज्यादा यमी एंड इट्स रेडी. ओके नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी एंड ओट्स का स्मूदी. ये रही मेरे पास स्ट्रॉबेरीज मैंने इसमें डाली. 3 स्ट्रॉबेरीज मैंने लिए हैं यहाँ पर. ये है मेरे पास डेट्स 2 डेट्स मैंने इसमें ऐड करे. नेक्स्ट मेरे पास है ओट्स 2 बड़े चम्मच ओट्स मैंने इसमें डाले. नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी वाटर 1/2 कप जितना पानी मैंने इसमें डाला एंड अब हम इन सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे. बट इस स्मूदी के अंदर हमने 1 चम्मच हमारा सोक बेसिल सीड्स ऐड करना 1 से 2 चम्मच. 5 मिनट में बेसिल सीड जो है वो पानी में सोक हो जाते हैं और मैंने पहले से करके रखे थे एंड इट्स रेडी एब्सोल्युटली रेडी. नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं बनाना ओट्स कॉफी. सो ये रहा मेरे पास बनाना ये मैंने डाल दिया इसमें 1 बनाना. ओके नेक्स्ट मेरे पास है 2 स्पून ऑफ ओट्स. नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी मेरा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी प्रेफर करती हूँ. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे वाटर और अब इसको बहुत अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे बहुत बहुत अच्छे से. ओके नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं स्मूदी पाइनएप्पल एप्पल एंड ओट्स स्मूदी. ये है यहाँ पर मेरे पास 2 राउंड स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल्स 1/2 एप्पल 2 चम्मच ओट्स 1/2 कप ऑफ वाटर. बहुत अच्छे से इन सबको हम ब्लेंड करेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारे 2 स्पून ऑफ सोक किए हुए बेसिल सीड्स. ओके फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्मूदी हमारा एंड इट्स रेडी. ओके कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं पीना कुछ ठंडा सा चला जाए बस थोड़ा बहुत ना हमें कुछ चाहिए खाने का ना हमें कुछ पीना. सो ये रही उस सिचुएशन के लिए रेसिपी. डेयरी फ्री मिल्क ले लो आप आलमंड मिल्क ले लो ओट मिल्क ले लो और अगर आपको पीसीओडी नहीं है देन आप नॉर्मल मिल्क ले सकते हैं. इसमें मैंने डाला 1 चम्मच जितना ओट्स 2 मेरे डेट्स 2 डेट्स यहाँ पे डल गए हैं मेरे. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा 1/2 स्पून ऑफ कॉफी का पाउडर. इसको खूब अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले हमारे बेसिल सीड्स. ये डाल दिया मैंने 1 चम्मच ये डाल दिया मेरे 2 चम्मच ये डाल दिया मैंने 3 चम्मच 3 चम्मच सोक किए हुए बेसिल सीड्स. नेक्स्ट यहाँ पे जाएगी मेरी कॉफी. ओके जी वेलकम बैक जी. इनको लंच में लेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग वर्किंग हो आप बाहर जा रहे हो और आप कैसे इसको कैरी करोगे. कुछ कॉलेज के बच्चे होते हैं जो बाहर जाते हैं तब वो कैसे कैरी करेंगे. आपके पास मिल्टन का या डबलिन का एक टम्बलर होना चाहिए या वास होना चाहिए जिसके अंदर आप ये बनाकर सुबह सुबह कैरी करके जाओ. 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का हमारा लंच का टाइम होता है. मेक श्योर आप इसको 12:30 से 1 बजे के बीच में पी लो ख़त्म कर लो. अगर आपके पास फ्रिज का फैसिलिटी आप इसको फ्रिज में रखो एंड बाहर निकाल के इसको पियो. पॉइंट इज करने वाला बंदा हर तरीके से डाइट कर सकता है बट बहाने मारने वाला बंदा हर तरीके से बहाना मार के नहीं कर सकता.
सो यहाँ पे हम बहाने नहीं लेंगे, हम जरिए निकालेंगे, हम वेस्ट निकालेंगे डाइट को करने के एंड डाइट को फॉलो करके कैरी करने के लिए, राइट? सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने वैलेंटाइंस वीक का प्लान ऑप्ट किया था, उनके जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं वो अमेजिंग, मैं डेली इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हूँ एंड बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है एंड ट्रस्ट मी आप लोग बहुत अच्छा हो, आप लोग बहुत मोटिवेटेड रहो, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, कर सकते हो और आप बहुत अच्छा शेड कर रहे हो एंड मैं बहुत जल्दी बहुत चीज़ें लेकर आ रही हूँ 499 वाली चीज़ों में ही एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सॉल्व करके दूँ. सो या दैट्स इट, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, टेक केयर जी, बाय बाय.